पिछले साल सीमा पर भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके लिए अब तक 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। अब भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन के बीच बहुत जल्द 12वें दौर की सैन्य स्तर वार्ता होने की संभावना है। विवाद खत्म करने को लेकर चीन ने सुझाव दिया था कि वार्ता 26 जुलाई को आयोजित की जाए, लेकिन भारत ने नई तारीखों पर काम करने के लिए कहा क्योंकि सेना इस दिन करगिल विजय दिवस मनाएगी। अब दोनों पक्षों की ओर से नई तारीखों पर काम किया जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से विवादित डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और गर्म हॉट स्प्रिंग्स में मौजूदा तनाव को खत्म करने के लिए चर्चा किए जाने की उम्मीद है। हालांकि भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए तभी सहमत होगा जब एक साथ और एक समान वापसी पर सहमति बनेगी। इस मसले पर पिछले महीने विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों पक्ष LAC के साथ सभी विवादित क्षेत्रों से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए 12वें दौर की सैन्य वार्ता जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ स्थिति पर विचारों का खुलकर आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ अन्य मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि इस बात पर भी सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष जमीन पर स्थिरता सुनिश्चित करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना जारी रखेंगे। चीन भले ही कोई वादा करे, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। कभी सिक्किम से सटे इलाकों में, कभी उत्तराखंड से सटे इलाकों में, या फिर लद्दाख के नजदीक अपने एयरबेस पर। ऐसे में भारत भी ये जानता है कि चीन का इलाज कैसे, क्या और कब करना है। बातचीत से मसले सुलझे तो ठीक, वरना चीन जिस भाषा में बातें समझता है उस भाषा में भारत उसे अच्छे से समझा देगा। यही वजह है कि अब भी सीमा पर 50,000 से अधिक जवान भारत ने तैनात किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।